अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। किताब मिल गई आपको? ओके। क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, सारी किताब पूरी नहीं हो सकती शायद, तो इस वजह से मैं चाहूंगी कि इसको आप अपने तौर पर जरूर पढ़ें और अपने घर वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ या दूसरे लोगों के साथ भी इसको शेयर करें, क्योंकि ये वो इम्तिहान है जो हम सबको पेश आने वाला है और इसकी तैयारी हम में से हर एक के लिए बहुत जरूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मक़सद ए हयात, जिन और इंस की तख्लीक का मकसद। क़ाल अल्लाहु तआला वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। गोया हम अल्लाह की इबादत के लिए बनाए गए हैं। हम कुछ भी कर लें, अगर हम इबादत नहीं करते तो हम अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा नहीं कर रहे। वक़ाल अल्लाहु तआला अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। और अल्लाह ताला ने फरमाया, वो जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में ज्यादा अच्छा है, तुम में से कौन अमल में ज्यादा अच्छा है। यानी अल्लाह ताला हम में ये देख रहे हैं हम किस चीज में अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम में से हर एक को अपना अपना जायजा लेना चाहिए। अमूमन हम किस किस चीज में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं? शक्ल सूरत अच्छी हो, ड्रेसिंग अच्छी हो, जॉब अच्छी हो, घर अच्छा हो, घर को अच्छा खूबसूरत सजा लें, बना लें। लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ये देखते हैं कि हमारे जाती अमल, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक और बंदों के साथ ताल्लुक कैसा है, और वही बहुत जबरदस्त बेहद बख्शने वाला है। सईदना अली बिन अबी तालिब कहते हैं, दुनिया पीठ फेर कर जा रही है, यानी हर दिन मुंह मोड़ता चला जा रहा है, खत्म हो रहा है, और आखिरत सामने आ रही है, और इन दोनों में से हर एक के चाहने वाले हैं। बस तुम आखिरत के चाहने वाले बनो और दुनिया के चाहने वाले न बनो, क्योंकि आज तो अमल का मौका है और हिसाब नहीं, कल हिसाब होगा और अमल का मौका नहीं, लिहाजा कल की तैयारी करो। आखिरत दारुल करार है। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मता व इन्नल आखिरत हिय दारुल करार। ये दुनिया की जिंदगी तो मामूली फायदे के सिवा कुछ नहीं, और यकीनन आखिरत ही रहने का घर है। तो हमारा असल घर यहाँ नहीं वहाँ है। हम इन घरों की फिक्र हर वक्त करते रहते हैं और इन्हीं के लिए अपनी जान मारते रहते हैं, जबकि असल घर कहीं और है। हम तिनका तिनका जमा करके यहाँ के आशियाने बनाते हैं, जबकि मालूम है कि मौत के तूफान और आंधी ने आकर वो आशियाना गिरा देना है। अपने आसपास के लोगों पर नजर डालिए, कितने ही घर खत्म हो गए। अपने नाना नानी के घर को देखिए, दादा दादी के घर को देखिए। इवन बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनके अपने वालिदैन का घर, माँ फौत हुई, सास फौत हुई, तो दोनों घर खत्म हो गए। इसी तरह जिन घरों में आज हम अपने बहन भाइयों के साथ हंसते बसते हैं और जिसको घर कहते हैं, कुछ अरसे के बाद ये नक्शा भी बदल जाएगा और ये घर भी खत्म हो जाएगा। तो असल घर हमारा आखिरत का घर है। वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयावान लौ कानू यालमून। और दुनिया की ये जिंदगी नहीं मगर एक दिल लगी और खेल, और बेशक आखिरत का घर यकीनन वही असल जिंदगी है अगर वो जानते होते। इन आयात का पढ़ना और तर्जुमा करके बताना क्या मुश्किल काम है? अगर खुद से आपको ये आयात तलाश करनी पड़ती और इनके तर्जुमे ढूंढने पड़ते और फिर लिखना पड़ता और नोट्स बनाने पड़ते जिनमें कई गलतियां होती, फिर किसी को बताने में कितनी मुश्किल थी। तो ऐसी किताबें अगर आपके पास हों तो दर्स देना भी कुछ मुश्किल नहीं। यानी कहीं भी आप दर्स की सीरीज शुरू कर सकते हैं। अपने घर वालों के साथ मगरिब के बाद बैठकर हर रोज एक एक चैप्टर आप इसका पढ़ सकते हैं। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आप उनसे भी पढ़वा सकते हैं अगर वो पढ़े लिखे हों। असल मकसद तज़किरा है, याद दहानी है। ये बातें हमें पता होती हैं लेकिन हम फिर भूल जाते हैं, बार बार भूलते हैं, तो इन बातों को आम करने की जरूरत है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हर रोज रात के वक्त उलमा की मजलिस कायम करते और उनमें बैठ के सिर्फ मौत को याद करते कि वो ज्यादा बड़ा मसला है, और हम दुनिया के मसाइल हल करते करते खत्म होते चले जा रहे हैं, और वो है कि कहीं खत्म होते नहीं। तो जो शख्स आखिरत को अपना मकसद बना लेता है उसकी दुनिया भी आसान हो जाती है। इंसान और मौत, मौत एक अटल हकीकत है। क़ाल अल्लाह ताला कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। अल्लाह ताला ने फरमाया हर जान मौत को चखने वाली है, फिर तुम हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। वक़ाल अल्लाह ताला कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। और अल्लाह ताला ने फरमाया कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है वो तुम्हारी जानें कब्ज कर लेता है, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाते हो। यानी सब ने वापस अपने रब ही के पास जाना है। इसीलिए जब कोई फौत हो जाता है तो हम क्या पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट के जाने वाले। यानी जो हमारे सामने फौत हो रहा है या जा रहा है, सिर्फ इसी को नहीं जाना, हमारी बारी भी जल्द आने वाली है। फ़क़ाल अल्लाह ताला कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। और अल्लाह ताला ने फरमाया कह दीजिए जिस मौत से तुम भागते फिरते हो बेशक वो तुमसे मुलाकात करने वाली है, फिर तुम छुपे खुले के जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे। यानी जिसके सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं, फिर वो तुम्हें तुम्हारे किए हुए काम बतला देगा कि तुम दुनिया में क्या करके आए हो। तो गोया जो कुछ हम करते हैं वो हमारे सामने आने वाला है, चाहे लोगों से छुप के करते हैं या सामने करते हैं। हमारा आमाल नामा और उसका रिकॉर्ड तैयार हो रहा है हमारे ही सामने लाए जाने के लिए। मौत से बचने वाला कोई भी नहीं। वक़ाल अल्लाह ताला ऐनमा तकूनू युद्रिक्कुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। और अल्लाह ताला ने फरमाया जहाँ कहीं भी तुम हो मौत तुम्हें आ ही लेगी, खा तुम मजबूत किलों में महफूज हो जाओ। कहीं भी छुप जाओ मौत तुम्हें ढूंढ लेगी। छुप नहीं सकते, भाग नहीं सकते, दिफा नहीं कर सकते। वक़ाल अल्लाह ताला वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। और अल्लाह ताला ने फरमाया और जब किसी का मुकर्रर वक्त आ जाता है तो फिर उसे अल्लाह हरगिज मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे बखूबी जानने वाला है। सईदना अनस से रिवायत है, वो कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की शिद्दत महसूस की, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी हाय तकलीफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरी बेटी, बेशक तुम्हारे बाप पर वो वक्त आ गया है जिससे अल्लाह ताला किसी को भी छोड़ने वाला नहीं, क़यामत के दिन की मुलाकात के लिए। यानी कोई भी इस वक्त से बच नहीं सकता, मौत से फरार हासिल नहीं कर सकता। मौत इंसान को घेरे हुए है। सईदना अब्दुल्लाह से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 कोनों वाला खत खींचा, यानी स्क्वायर बनाया, फिर उसके दरमियान एक खत खींचा जो चौकटे से बाहर निकल रहा था। उसके बाद दरमियान वाले खत के उस हिस्से में जो चौकटे के दरमियान में था छोटे छोटे बहुत से खतूत खींचे। फिर फरमाया ये इंसान है और ये उसकी मौत है जो उसे घेरे हुए है, और ये जो बीच का खत बाहर निकला हुआ है वो उसकी उम्मीद है, और ये जो छोटे छोटे खतूत हैं ये उसकी दुनियावी मुश्किलात हैं। बस अगर इंसान एक मुश्किल से बचकर निकलता है तो दूसरी में फंस जाता है, दूसरी से निकलता है तो तीसरी में फंस जाता है। यानी सारी जिंदगी इसी चीज का नाम है कि एक मुश्किल से निकल के दूसरी में जा अटकना। डिब्बे की समझ आ गई? ये इंसान है, एक के बाद एक मुश्किल, ये उसकी उम्मीद है। सैयदना मुतर्रफ बिन अब्दुल्लाह बिन शखीर अपने वालिद से, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्न आदम की शक्ल सूरत यूं दिखाई गई है कि उसके आस पास 99 मौतें हैं, यानी 99 हादसात और मुसीबतें हैं। अगर वो मौत है उससे खता कर भी जाए तो वो इंतहाई दर्जे के बुढ़ापे का शिकार हो जाता है, यहाँ तक कि वो मर जाता है। यानी हर इंसान हर वक्त मुख्तलिफ तरह के अंदरूनी और बैरूनी खतरात में घिरा हुआ है। कोई भी चीज़ उसकी मौत का सबब बन सकती है, लेकिन अगर इंसान हर हादसे से बचता भी चला जाए तो बिल आखिर बूढ़ा हो जाता है और फिर मौत का शिकार हो जाता है। यानी मौत के हादसे से बच नहीं सकता। मौत का वक्त और जगह मुकर्रर है। قال الله تعالى وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا। अल्लाह ताला ने फरमाया, और किसी जान के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए, लिखे हुए के मुताबिक जिसका वक्त मुकर्रर है। यानी हम में से हर एक की मौत का वक्त लिखा हुआ है, जहाँ जिस जगह आनी है वहाँ पहुँच जाएंगे। वक़ाल अल्लाह ताला फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। फिर जब उनका वक्त आ जाएगा तो एक घड़ी ना वो पीछे रह सकते हैं और ना ही वो आगे बढ़ सकते हैं। यानी एग्जैक्टली जो सेकंड तक लिखा हुआ है उसी सेकंड रूह निकलेगी। सैयदना मतर बिन उकामिस से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी खास जगह में किसी को मौत देने का फैसला कर दिया जाता है, यानी किसी खास शहर इलाके या जगह में, तो वो उसके लिए महबूब बना दी जाती है। इंसान का दिल उस तरफ खींचने लगता है और वहाँ उसकी कोई ज़रूरत पैदा कर दी जाती है, तो इंसान उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए वहाँ जाता है और वहाँ जाकर फौत हो जाता है। परदेश में वफात का अजर। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अम्र से रिवायत है कि उन्होंने कहा, मदीना में एक आदमी फौत हो गया, उसकी विलादत भी मदीना में हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ाया तो फरमाया, काश वो अपने मकाम पैदाइश के सिवा किसी और मकाम पर फौत होता। लोगों में से हर एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल ये क्यों? आपने फरमाया, क्योंकि आदमी जब अपनी पैदाइश की जगह के अलावा किसी और मकाम पर फौत होता है तो उसके लिए मकाम पैदाइश से मकाम वफात तक पैमाइश करके इतनी जगह जन्नत में दी जाती है। मौत किसी की भी हो घबरा देने वाली है, नेक से नेक इंसान भी हो, लेकिन मौत की एक घबराहट है। सईदना अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक यहूदी का जनाजा गुजरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, या रसूलल्लाह ये तो एक यहूदी का जनाजा है। तो आपने फरमाया, यकीनन मौत की एक घबराहट होती है। मौत की सख्तियाँ। फजाअत सकरतुल मौत बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। अल्लाह ताला ने फरमाया, और मौत की सख्ती हक के साथ आ पहुंची, यही है वो जिससे तू भागता फिरता था। यानी हर इंसान मौत से डरता है और छुपता है, और वो इसीलिए किसी मुर्दे को हाथ नहीं लगाता कि शायद मुर्दा उसको अपने साथ न खींच ले, या कब्रिस्तान से डरता है, वहां नहीं जाता। लेकिन मौत जो है वो हर एक तक पहुंचने वाली है, यानी हमें वहां जाने की नहीं जरूरत, वो खुद ही पहुंच जाएगी। वक़ाल अल्लाह ताला कल्ला इज़ा बलगत तराक़िया वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़त इस्साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। और अल्लाह ताला ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, जब रूह हंसली तक पहुंचेगी और कहा जाएगा, है कोई दम झाड़ करने वाला, और वो समझ गया कि ये वक्त जुदाई का है, और पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी, उस दिन अपने रब की तरफ रवानगी होगी। यानी हर सफर की और हर मुलाकात की एक खास तैयारी होती है। मसलन आप स्कूल आने लगते हैं तो यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, एक खास अंदाज में अपने बैग उठाते हैं और घर से निकल खड़े होते हैं। इसी तरह जब किसी की शादी होती है तो लड़की उरूसी जोड़ा पहनती है, ज़ेवरात पहनती है, और एक खास स्टाइल में वो माँ बाप के घर से रुखसत होती है। इसी तरह इंसान अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहा हो या अपने किसी जॉब पर जा रहा हो तो उसके निकलने का मखसूस स्टाइल होता है। इसी तरह मौत के वक्त और मौत के बाद अल्लाह से मुलाकात और कब्र की तरफ जाने का भी अपना एक स्टाइल है। ज़कवान से रिवायत है, कहते हैं कि सैयदा आयशा कहा करती थी कि वफात के वक्त बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बड़ा प्याला था या चमड़े की थैली थी जिसमें पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ उस बर्तन में डालते और फिर इस हाथ को अपने चेहरे पर मलते और फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह, बिला शुबा मौत की तकलीफ होती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ उठाकर फरमाने लगे, फिर रफीक अल आला, यहाँ तक कि आपकी रूह मुबारक कब्ज कर ली गई और आपका हाथ झुक गया। सैयदा आयशा से रिवायत है, कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात इस हाल में हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हंसली और ठोड़ी के दरमियान सर रखे हुए थे। जब से मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत की सख्ती देखी है, उसके बाद मैं मौत की सख्ती को किसी के लिए बुरा नहीं समझती। यानी ये हर नेक बद इंसान के लिए है, यानी मौत की सख्ती सिर्फ किसी बुरे इंसान के लिए नहीं होती, नेक इंसान के ऊपर भी ये सख्ती का वक्त आता है। अल्लाह ताला मोमिन को मौत की तकलीफ देना पसंद नहीं करता। सईदना अबू हुरैरा से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है और मैं जो काम करना चाहता हूँ उसमें मुझे इतना तरद्दुद नहीं होता जितना कि मुझे अपने मोमिन बंदे की जान निकालने में होता है। वो मौत को तकलीफ की वजह से नापसंद करता है और मैं भी उसे तकलीफ देना नापसंद करता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने ये एक तरीका रखा ताकि हम इबरत पकड़ें और हमारे अंदर आजिजी पैदा हो। हम बंदगी के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन जब सिर्फ नेमतें ही नेमतें मिलती चली जाती हैं और अपने अंजाम की फिक्र नहीं होती तो हम फिर अकड़ का शिकार हो जाते हैं, अल्लाह की नाफरमानियां करने लगते हैं। तो जो शख्स मौत के वक्त को याद रखता है वो बहुत से बुरे कामों से बच जाता है कि मौत दुनिया की हर लज्जत को बेमजा करके रख देती है। शराह बिन हानी से रिवायत है, कहते हैं कि मैं सैयदा आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज किया, ए उम्मुल मोमिनीन, मैंने अबू हुरैरा से सुना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस रिवायत करते हैं, अगर वाक़तन ऐसा ही है तो हम हलाक हो गए। वो कहने लगी, बेशक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से हलाक हो गया वो वाक़तन हलाक होने वाला है। वो हदीस क्या है? उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करे अल्लाह भी उससे मुलाकात करने को पसंद करता है, और जो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करे अल्लाह भी उससे मुलाकात को नापसंद करता है। हालांकि हम में से हर एक मौत को नापसंद करता है। तो सैयदा आयशा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह फरमाया था, लेकिन इसका मतलब वो नहीं जिसकी तरफ तुम चले गए हो, बल्कि जब आंख फट जाती है और सीने में गड़गड़ाहट पैदा हो जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उंगलियां अकड़ जाती हैं, यानी मौत के वक्त, बस उस मौके पर जो अल्लाह से मुलाकात करने को पसंद करे अल्लाह भी उससे मुलाकात करने को पसंद करता है, और जो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करे अल्लाह भी उससे मुलाकात करने को पसंद नहीं करता। यानी मौत के वक्त जब इंसान मलकुल मौत को देखता है, मौत के फरिश्तों को देखता है, अगर वो अच्छी शक्ल सूरत में आते हैं तो इंसान खुश हो जाता है और फिर वो अल्लाह से जल्द मिलना चाहता है क्योंकि उसने नेक अमल किए होते हैं, और अगर बुरे अमल किए होते हैं तो फिर उसे डर लगता है और वो अल्लाह ताला को नहीं मिलना चाहता, तो अल्लाह ताला भी उससे नहीं मिलना चाहते। यहाँ तक कोई कुछ कहना चाहे? समझ आ गई है या कुछ ही समझ नहीं आई? जी, पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी का मतलब यह है कि जब मैयत की जान निकल जाती है तो आपने देखा होगा उसकी टांगे सीधी करके उसके पाँव के जो दोनों अंगूठे हैं उनको वहां बांध दिया जाता है, यानी दोनों पिंडलियों को इकट्ठा कर दिया जाता है। मौत के वक्त का मंजर बयान किया गया। जब इंसान डॉक्टरों से लाजवाब हो जाता है तो फिर क्या करता है? जब बीमारी हद से बढ़ जाती है और नजर आने लगता है कि अब कोई दवाई कारगर नहीं, हम आमतौर पे कहते हैं पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ये कभी सुना? पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, यानी उसके ऊपर जो भी दवाई है असर ही नहीं कर रही, तो फिर दवाइयां छोड़ के मशीनें उतार के कहते हैं कि अब इसके ऊपर कुछ पढ़ो, कोई वजीफा करो, कोई दम दरूद पढ़ो, बस अगर इसकी जिंदगी लिखी हुई तो ये बच जाएगा वरना नहीं। जी, किसी भी हलाल जायज मकसद के लिए जो अपने घर से निकले और वो मोमिन हो तो उसके लिए ये एक बोनस है। जी, हंसली, ये हंसली की हड्डियां होती हैं, सीने की हड्डी ये ऊपर वाली। जी, वो हमें नहीं पता चलता ना, लेकिन उन पे क्या गुजरी उतने लम्हे में जितने में पूरे जिस्म के रुए रुए से जान निकली, वो किस कैफियत में, उसकी डिग्री क्या थी पेन की, हमें तो नहीं पता ना, हम तो देख के जाहिरी बात कर रहे हैं। जी, जैसे डिलीवरी पेन के बगैर बच्चा पैदा नहीं होता, इसी तरह पेन के बगैर जिस्म से रूह नहीं निकलती। क्या ये जो तकलीफ होती है जान निकलने की, क्या ये भी गुनाहों का कफारा बनती है? इंशाअल्लाह मोमिन को तो कोई कांटा भी चुभे तो वो उसके लिए गुनाहों का कफारा होती है। मोमिन पाक साफ होकर फिर अल्लाह के हुजूर पहुंचता है। यानी कितने कितने घंटे शॉपिंग करते हैं, ये चीज पसंद नहीं, ये चादर ऐसी है, ये तकिया ऐसा है, वो शेड चाहिए, ये चीज लगवानी चाहिए, यानी एक एक चीज बनाने में हम दिनों लगा देते हैं और खत्म होने में कुछ टाइम नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ अर्सा पहले मेरे बेटे की डेथ हुई तो लास्ट मोमेंट्स मैंने उसके देखे और मैं मगरिब की नमाज पढ़ने गई थी, उससे पहले हम उसको तैयार कर रहे थे, उसका किडनीज का प्रॉब्लम था तो फिस्चूला बनवाना था डायलिसिस के लिए, और हम उसको उठाते थे और वो गिर जाता था बिस्तर पे। मैं जैसे ही उसको आगे करती थी, पीछे बैठती थी, उसको कुछ पहनाती उड़ाती थी, और जो मैं जरा सा हटती थी और वो एकदम पीछे से गिर जाता था बिस्तर पे ना, तो मैं परेशान हो रही थी कि इसमें हिम्मत हार दी है ना बिल्कुल। दोपहर को भी वो कह रहा था कि मामा अब मेरी हिम्मत खत्म हो गई है और मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक होऊंगा, तो मुझे उस पर रोना भी आया और मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे मायूसी की बातें नहीं करो, नहीं तो मामा की हिम्मत टूट जाएगी। तो कहने लगा कि अच्छा मामा मैं हिम्मत करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उसके बाद मैं मगरिब की नमाज पढ़ने गई हूँ, उसको जैकेट वगैरह पहना के, काफ़ी ठंड हो रही थी, तो मेरे भाई मेरे साथ था, मैंने इसको कहा कि मैं फर्श पढ़ के आती हूँ, आप इसको देखो। तो मेरे पीछे का उसने बाद में बताया कि जब तुम गई हो नमाज पढ़े तो हम इसको उतार रहे थे बिस्तर से कि इसको लेके चलें, और वो गिर गया बिल्कुल ना, जैसे टांगों में जान नहीं है। चंद लम्हों की बात है, सिर्फ 3 फर्ज मैं पढ़ के आई हूँ, और जब मैं आई हूँ तो वो लेटा हुआ था। मेरे पीछे उसने अपने मामू से कहा कि मामू मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है और मैं बस सिर्फ 2 मिनट सोऊंगा, फिर मैं आइंदा आपको कभी तंग नहीं करूँगा, क्योंकि मैं 2 दिनों से सोया नहीं हूँ सही तरह से। मैं आई तो ऐसे लग रहा था जैसे सो रहा है, मैं उसके सराहने खड़ी हो गई, नमाज के बाद के अस्कार में पढ़ रही थी, और मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ उसके चेहरे पे देखी, जैसे डायलिसिस के दौरान भी अक्सर उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, लेकिन तब जिस्म उसका तड़प रहा होता था आम हालात में ना, बीमारी में, लेकिन डेथ के वक्त जिस्म बिल्कुल सुकून से था और चेहरे पर एक तकलीफ के अंदर आसार थे। जिस ख्वाब में कोई इंसान बेचैन हो रहा हो या तड़प रहा हो तो चेहरे पर जैसे तकलीफ के आसार होते हैं, और कनपट्टियाँ उसकी फड़फड़ाने लगी हैं एकदम से, जैसे बीपी हाई उसका होता था अक्सर, तो ऐसे कनपट्टियाँ ऐसे यहाँ से जो अंदर रगे हैं वो फड़कती थी। तो उसके चेहरे पे जब तकलीफ के इस कदर शदीद आसार थे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला आप इसको संभाल लें, मुझसे संभाला नहीं जा रहा ना। मैं तो इस सेंस में कह रही थी कि इसकी तकलीफ को आप संभालें, और मेरे से दूर नहीं हो रही, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि अल्लाह ताला उसको हमेशा के लिए संभाल रहे हैं। उस वक्त बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स थे उसके, और फिर उसकी आंखें जिस तरह तफसीर में हम पढ़ते हैं कि रूह का ताकुब करती हैं आंखें, तो वो उस तरह से मैंने देखा, और उस वक्त मुझे लगा कि आप सब पास हैं, ये सब बातें हम कुरान में पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त ऐसी फील नहीं होती, जैसे एट द स्पॉट आपको फील हो रही होती है कि वो सब कुछ हो रहा है और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप पकड़ नहीं सकते, आप बचा नहीं सकते। बिल्कुल ये सारे वाकयात जो अल्लाह ताला हमें दिखाते हैं, असल में जिससे हम सबको सबक सीखने की जरूरत है। और मौत जो है वो हाज़िमुल लज़्ज़ात है, लज्जतों को तोड़ने वाली है, क्योंकि ये लज्जतें और ख्वाहिशात और ये सब चीजें इंसान को दुनिया की तलब और मोहब्बत में मुब्तला करती हैं, और जिसकी वजह से इंसान गुनाह करता है, गलत काम करता है। और जब इंसान अपनी मौत को याद रखता है, अल्लाह से डरता है, तो फिर इन चीजों में कशिश बाकी नहीं रहती। सफर आखिरत की तैयारी, मौत से पहले पहले नेक अमल करना। क़ाल अल्लाह तआला हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक़्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के पास मौत आती है तो कहता है ऐ मेरे रब मुझे वापस भेज दे, यानी इंसान मरना नहीं चाहता, वापस जाना चाहता है। ताकि जो कुछ मैं छोड़ आया हूँ उसमें कोई नेक अमल कर लूं। हरगिज नहीं, बेशक ये तो महज एक बात है जिसे वो कहने वाला है, और उनके पीछे एक पर्दा है, बरज़ख है, उस दिन तक जब वो उठाए जाएंगे। यानी मौत के वक्त इंसान चाहता है कि आज तक जो अच्छे काम मैंने नहीं किए वो मैं कर लूं, लेकिन जब वक्त आ जाता है तो फिर मोहलत नहीं दी जाती। वक़ाल अल्लाह ताला वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूलु रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब वअस्सद्दक़ वअकुन मिनस सालिहीन। और अल्लाह ताला ने फरमाया, और उसमें से खर्च करो जो हमने तुम्हें रिस्क दिया है, इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आ जाए। यानी अल्लाह की राह में देते रहो। फिर वो कहे, ऐ मेरे रब, तूने मुझे करीबी मुद्दत तक मोहलत क्यों न दी कि मैं सदका करता और नेक लोगों में से हो जाता। यानी मौत के वक्त इंसान क्या चाहेगा कि जो दुनिया उसने बना के रखी हुई थी वो अपनी आखिरत के लिए कुर्बान करके आता, लेकिन अब हाथ से मौका निकल गया। आमतौर पर हम कितना बुखल करते हैं, दुनिया ही के लिए सब कुछ बचा बचा के रखते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये सब यहीं रह जाएगा और हम अकेले आगे जाएंगे अपने आमाल के साथ। सईदना अबू हुरैरा से रिवायत है, वो कहते हैं कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल, कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस हाल में सदका करो कि तुम सेहतमंद हो, हरीस हो, मालदार होने की तवक्को रखते हो और फक्र से डरते हो, और इतनी देर मत लगाओ, यानी सदका करने में देर ना लगाओ कि जब जान हलक तक आ जाए तो तुम कहने लगो कि फलां के लिए इतना और फलां के लिए इतना, हालांकि वो फलां का हो चुका। यानी अब तो वो दूसरों को ही मिलेगा, तुम्हारे साथ तो नहीं जाएगा। जिंदगी से आखिरत के लिए भरपूर कमाना। सईदना इब्न उमर से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बदन का एक हिस्सा पकड़कर फरमाया, तुम दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम अजनबी हो या किसी राह को अबूर करने वाले हो, और खुद को कब्र वालों में शुमार करो। तो वो मुजाहिद कहते हैं कि फिर इब्ने उमर ने मुझसे कहा, जब तुम सुबह करो तो अपने दिल में शाम होने का ना सोचो, और जब शाम करो तो दिल में सुबह होने का ना सोचो। अपनी बीमारी से पहले अपनी सेहत से फायदा उठा लो, और अपनी मौत से पहले अपनी जिंदगी से फायदा उठा लो, क्योंकि तुम नहीं जानते, ए अब्दुल्ला, कल तुम्हारा नाम क्या होगा, यानी मुर्दों में होगा या जिंदों में होगा, कि वो फलां फौत हो गया या मैयत हो गया। नेक अमाल करना, क्योंकि वही साथ जाएंगे। सईदना नौमान बिन बशीर से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन और मौत की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसके तीन दोस्त हों, जिनमें से एक उसका माल हो, वो कहे अपनी चाहत के मुताबिक ले लो, दूसरा कहे मैं तेरे साथ हूँ लेकिन जब तू मर जाएगा तो मैं तुझसे जुदा हो जाऊंगा, तीसरा कहे मैं तेरे साथ हूँ और तेरे साथ ही निकलूंगा। उनमें से पहला उसका माल है, दूसरा उसके घर वाले और औलाद, और तीसरा उसका अमल है। यानी हर इंसान के लिए तीन चीजें हैं और साथ उसके सिर्फ उसका अमल जाता है, माल और औलाद पीछे ही रह जाते हैं। मरने के बाद की तैयारी की फिक्र लगाना। सईदना बरा इब्न आजिब से रिवायत है, वो कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे कि आपकी नजर कुछ लोगों पर पड़ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये लोग यहाँ क्यों जमा हैं? बताया गया कि कब्र खोद रहे हैं। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए और अपने साथियों से तेजी से आगे निकल गए, यहाँ तक के कब्र के करीब पहुंच गए और उस पर झुक गए। मैं भी ये देखने के लिए कि आप क्या करते हैं तेजी से आगे निकल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, यहाँ तक कि आपके आंसू से मिट्टी गीली हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ऐ मेरे भाइयों, इस जैसे दिन के लिए तैयारी कर लो, यानी इस कब्र के गड्ढे में आके लेटने के लिए तैयारी कर लो। आखिरत के लिए तैयारी करने वाला अक्लमंद है। सईदना इब्न उमर से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था कि अंसार में से एक आदमी आया, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, फिर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मोमिनों में सबसे ज्यादा अफजल कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनका अखलाक ज्यादा अच्छा हो। उसने कहा, मोमिनों में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? आपने फरमाया, जो मौत को ज्यादा याद करते हैं और उसके बाद के मराहिल के लिए ज्यादा अच्छी तैयारी करते हैं, वही ज्यादा अक्लमंद है। सईदना अबू अय्यूब से रिवायत है, वो कहते हैं एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उसने कहा ए अल्लाह के रसूल मुझे सिखाइए और मुख्तसरन बयान कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो उसे अलविदाई नमाज समझकर अदा किया करो कि आखिरी नमाज पढ़ने जा रहे। मौत को कसरत से याद करना। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लज्जतों को तोड़ने वाली चीज यानी मौत का कसरत से जिक्र किया करो। और हम कभी कभार इसका जिक्र करते हैं और अगर कोई करे तो उसको भी बुरा मानते हैं कि तुम क्या हर वक्त मायूस कुन बातें करते हो। सैयदना अनस से मरफून रिवायत है अपनी नमाज में मौत को याद करो क्योंकि जब आदमी अपनी नमाज में मौत को याद करता है तो ये ज्यादा लायक है कि वो नमाज अच्छी तरह अदा करे और उस आदमी की तरह नमाज पढ़ो जो ये समझता हो कि वो इसके अलावा कोई और नमाज नहीं पढ़ सकेगा यानी इसकी आखिरी नमाज होगी। मोमिन की मौत का मंजर अच्छे तरीके से रवानगी। क़ाल अल्लाह ताला फ़अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फ़रौहुन व रैहान व जन्नतु नईम व अम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन फ़सलामुन लक मिन अस्हाबिल यमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया बस अगर वो मुक़र्रबीन में से है तो उसके लिए राहत और उम्दा रिस्क और नेमत वाली जन्नत है और अगर वो दाएं हाथ वालों में से हुआ तो तुझ पर सलाम कि तू दाएं हाथ वालों में से। यानी मौत के वक्त दोनों किस्म के लोगों की मौत में भी फर्क है। जो मुकर्रबीन में से है तो उसके लिए राहत उम्दा रिस्क और नेमत वाली जन्नत है और अगर दाएं हाथ वालों में से है तो बस उसको सलाम किया जाता है। दर्जे में फर्क है। मरते ही सलामती और जन्नत की बशारत। वक़ाल अल्लाह ताला अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीना यक़ूलूना सलामुन अलैकुम उद्खुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून। और अल्लाह ताला ने फरमाया वो लोग जो पाक सीरत होते हैं फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करने आते हैं तो कहते हैं तुम पर सलाम हो, जो अच्छे अमल तुम करते रहे उसके सिले में जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। यानी अगर इंसान नेक अमल करने वाला है तो उसकी मौत अच्छी आएगी इंशाअल्लाह, उसको मौत के वक्त खुशखबरी आएगी। वक़ाल अल्लाह ताला और अल्लाह ताला का फरमान है या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इरजई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए मुत्मइन नफ्स अपने रब की तरफ लौट जा, तू उससे राजी वो तुझसे राजी, बस मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। मोमिन का जान निकलते वक्त अल्लाह की तारीफ करना। सैयदना इब्ने अब्बास मरफूअन रिवायत करते हैं कि यकीनन मोमिन के हर हाल में खैर है, बेशक उसकी जान उसके दो पहलुओं से निकल रही होती है और वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तारीफ कर रहा होता है। लेकिन ये उसी को नसीब होता है जो हर हाल में शुक्रगुजार होना जाने। सोचिए जब हम पर कोई तकलीफ आती है, सर दर्द होता है या जिस्म में दर्द होता है तो हमारे मुंह से क्या निकल रहा होता है। अगर अल्लाह की तारीफ और अल्लाह का शुक्र और अल्लाह से अच्छी उम्मीद होती है तो इंशाअल्लाह मौत के वक्त भी अल्लाह ताला नसीब करेगा। अल्लाह हमें हर हाल में शुक्र करने वालों में से बना दे। पेशानी पर पसीना। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरफूअन रिवायत है बेशक मोमिन की रूह पसीने से निकलती है जबकि काफिर की रूह उसकी बाछ से निकलती है जैसे गधे की रूह निकलती है यानी मुंह से निकलती है। बेहतरीन इस्तकबाल। सैयदना बरा इब्न आज़िब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं बेशक मोमिन बंदा जब दुनिया से रुखसत होने और आखिरत के जाने के करीब होता है तो उसकी तरफ आसमान से रोशन चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं यानी चमकते फरिश्ते आते हैं, गोया कि उनके चेहरे सूरज की तरह हो। उनके पास जन्नत के कफनों में से कफन और जन्नत की हनूत यानी खुशबू में से एक हनूत होती है, यहाँ तक कि वो उसकी ताहद निगाह बैठ जाते हैं, जहां तक उसकी नजर जाती है वहां तक फैल के बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आकर उसके सरहाने बैठ जाते हैं और कहते हैं ए पाकीज़ा नफ्स अल्लाह की मगफिरत और रजामंदी की तरफ निकलो। चनाचे उसकी रूह इस तरह बहकर निकल जाती है जैसे मशकीजे के मुंह से पानी का कतरा बह जाता है। फिर मलकुल मौत उसे पकड़ लेते हैं और जब वो उसे पकड़ लेते हैं तो दूसरे फरिश्ते पलक झपकने की मिकदार में उसकी रूह को मलकुल मौत के हाथ में नहीं रहने देते बल्कि उनसे लेकर उसे उस कफन में लपेटकर उस पर हनूत मल देते हैं और उसके जिस्म से ऐसी खुशबू निकलती है जैसे बहुत ही ज्यादा महकने वाली कस्तूरी की खुशबू जो रूए जमीन पर पाई गई हो। रावी कहते हैं फिर फरिश्ते उस रूह को लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। ये अच्छा इस्तकबाल होता है उन लोगों के लिए जो अच्छे अच्छे काम करते हैं। अपना इस्तकबाल देकर अल्लाह से मिलना पसंद करता है मोमिन। अता इब्न साहिब से रिवायत है, वो कहते हैं कि पहला दिन जब मुझे अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला की पहचान हुई तो मैंने देखा कि वो सफेद बाल और सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे जो गधे पर सवार होकर एक जनाजे के साथ जा रहे थे। मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना कि मुझसे फलां बिन फलां ने यह हदीस बयान की है जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है अल्लाह उससे मिलने को पसंद करता है, और जो अल्लाह से मिलने को नापसंद करता है तो अल्लाह उससे मिलने को नापसंद करता है। ये सुनकर लोग सर झुकाकर रोने लगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा बेशक हम मौत को नापसंद करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मतलब ये नहीं बल्कि ये है कि जब किसी की मौत का वक्त आता है तो अगर वो मुकर्रबीन में से हो तो उसके लिए राहत, ग़िज़ाएं और नेमतों वाले बागात होंगे, और जब उसे उसकी खुशखबरी सुनाई जाती है तो वो अल्लाह से मिलने की ख्वाहिश करता है और अल्लाह भी उससे मिलने को पसंद फरमाता है, और अगर वो झुटलाने वाले गुमराहों में से होगा तो खौलता पानी उसकी मेहमानी होगी। फिर जब उसकी खुशखबरी दी जाती है तो वो अल्लाह से मिलने को नापसंद करता है और अल्लाह भी उससे मिलने को नापसंद करता है। रूह का जल्दी निकलना पसंद करना। सईदना अबू हुरैरा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक जब मोमिन पर मौत तारी होती है तो वो देखता है, जो देखता है तो वो पसंद करता है कि अब उसकी रूह निकल जाए ताकि वो अल्लाह से मुलाकात कर सके, और अल्लाह उससे मुलाकात को पसंद करता है, यानी अपने आप को फिर वो तैयार कर लेता है। जो देखता है का मतलब यानी उसको अच्छा मंजर नजर आ रहा होता है। आसमान का सफर। सैयदना बरा इब्न आज़िब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं फरिश्ते उस रूह को लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं, और फरिश्तों का जिस ग्रोह पर भी उनका गुजर होता है वो ग्रोह पूछता है ये पाकीज़ा रूह कौन है? यानी आसमानों पर जब रूह जाती है तो फरिश्ते पूछते हैं ये कौन है? वो जवाब में कहते हैं फलां बिन फलां, उसका बेहतरीन नाम बताते हैं जिससे दुनिया में लोग उसे पुकारते थे, यानी जिस अच्छे नाम से वो दुनिया में मशहूर होता था, हत्ता कि वो उसे लेकर आसमान दुनिया तक पहुंच जाते हैं, उसके लिए दरवाजा खुलवाते हैं तो उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है, तो हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते उसके साथ साथ चलते हैं उस आसमान की तरफ जो उसके बाद आता है, और इस तरह उसे सातवें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है, यानी हर जगह उसका इस्तकबाल हो रहा होता है। आसमान वालों का नेक रूह को मुसलसल मरहबा कहना, वेलकम। सईदना अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया फिर फरिश्ते उस मोमिन की रूह को आसमान की तरफ चढ़ा ले जाते हैं, फिर उसके लिए आसमान का दरवाजा खोल दिया जाता है। पूछा जाता है ये कौन है? तो फरिश्ते कहते हैं फलां शख्स है। तो कहा जाता है मरहबा, पाक नफ्स जो कि पाक बदन में थी, दाखिल हो जाओ ए काबिल तारीफ और खुश हो जाओ अल्लाह की रहमत और खुशबू से और उस रब से जो तुझ पर नाराज नहीं। बस मुसलसल उससे यही कहा जाता है यहाँ तक रूह उस आसमान तक पहुंचाई जाती है जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला है, यानी सातवें आसमान तक। आसमान वालों का आने वाली रूह को दुआ देना। सईदना अबू हुरैरा से रिवायत है, उन्होंने कहा जब किसी मोमिन की रूह निकलती है तो दो फरिश्ते उसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं, और आसमान वाले कहते हैं कि पाकीज़ा रूह जमीन की तरफ से आई है, अल्लाह ताला तुझ पर और इस जिस्म पर रहमत नाजिल फरमाए जिसे तू आबाद रखती थी, यानी जिस जिस्म से तू अल्लाह की इताअत और इबादत के काम लेती थी। तो गोया आसमान वाले दुआएं देने लगते हैं नेक रूह को। फौत शुदा रूहों से मुलाकात। सईदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते नेक रूह को अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं जहां पर वो इकट्ठे हैं इल्लियीन में, और वो उस रूह से इससे ज्यादा खुश होते हैं जितना तुम किसी बिछड़े हुए शख्स की आमद से होते हो, यानी कोई बहुत दिन बाद तुम्हारी मुलाकात के लिए आए तो कितने खुश होते हैं। फिर वो उससे सवाल करते हैं कि फलां ने क्या किया, फलां ने क्या किया, यानी दुनिया के हालात पूछते हैं। फिर वो अरवाह कहती हैं इसको फिलहाल छोड़ दो क्योंकि ये दुनिया के गम में मुब्तला है, यानी सबको छोड़ आया है, यानी उनको मिस कर रहा है, क्योंकि मौत बहरहाल एक गम में डालने वाली चीज है, एक डिपार्चर है, एक जुदाई है, एक अलहदगी है, और वो इंसान को गम में मुब्तला करती है। उन रूहों का नई आने वाली रूह से दुनिया के हालात पूछना। सईदना अबू अय्यूब से रिवायत है, वो कहते हैं जब मुसलमान बंदे की रूह कब्ज की जाती है तो अल्लाह के फौज शुदा बंदों में से रहमत पाने वाले उसका इस्तकबाल करते हैं, जैसा कि वो दुनिया में खुशखबरी देने वाले को मिलते हैं तो उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं ताकि उससे सवाल करें। तो उनमें से बाज से कहते हैं कि अपने भाई को मोहलत दो ताकि आराम कर ले, क्योंकि वो दुनिया की परेशानी में मुब्तला था। फिर उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं और उससे पूछते हैं फलां क्या कर रहा था, फलां बहन ने क्या किया, उसकी शादी हो गई। जब वो किसी ऐसे आदमी के बारे में सवाल करते हैं जो उससे पहले मर चुका होता है तो वो उन्हें बताता है कि वो तो मुझसे पहले मर गया था। वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो यहाँ तो नहीं पहुंचा, वो दूसरी तरफ चला गया सिज्जीन में, उसे उसके ठिकाने हाविया में ले जाया गया है, वो बहुत ही बुरा ठिकाना है और बुरी परवरिशगाह है। इन बंदों दुनिया वालों के अमाल पेश किए जाते हैं, जब वो अच्छा अमल देखते हैं तो खुश होते हैं, बशारत हासिल करते हैं और कहते हैं ऐ अल्लाह ये तेरी अपने बंदे पर नेमत है तो इसको पूरा कर दे। और अगर वो बुरा अमल देखते हैं तो कहते हैं ऐ अल्लाह अपने बंदे को रुजू का मौका दे दे। यानी वो दुनिया वालों के हालात से जब मुत्तले होते हैं जब कोई फौत होकर उनके पास पहुंचता है। वैसे उनकी कम्युनिकेशन नहीं होती दुनिया वालों के साथ, यानी मरने वाले हमारे हालात ऐसे नहीं जानते, जब कोई और रूह जाती है तो वो उनको बताती है। इसीलिए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात का वक्त जब करीब था तो वो मुस्कुरा दिए। उनकी वाइफ ने पूछा कि किस बात पर मुस्कुराते हैं, तो कहते हैं गदन नल्तकिल अहिब्बा, कल हम अपने प्यारों से मुलाकात करेंगे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अपने और साथियों से। तो मोमिन के लिए जिसकी मौत के आसार अच्छे हों उसके लिए खुशखबरी की बात होती है, लेकिन जाहिर है कि ये उसी सूरत में होगा जब दुनिया में आप अपने दोस्त अच्छे बनाएंगे। अगर दुनिया में आपके खराब दोस्त हैं तो दुनिया में भी अमल नहीं कर सकेंगे और मरने के बाद भी फिर इंसान उन्हीं के साथ होगा जिनके साथ वो मोहब्बत रखता होगा। तो हम में से हर एक को अपनी मोहब्बत का जायजा लेना चाहिए कि वो किसके साथ रहना चाहता है। जिंदा लोगों को अमल के मौके मिलने पर खुश होना। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और बेशक मोमिन की रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है, उसके पास मोमिनों की रूहें आती हैं और उससे जमीन वालों में से अपनी जान पहचान वालों के बारे में दरियाफ्त करती है। फिर जब वो कहता है कि फलां को तो मैं दुनिया में छोड़ आया हूँ तो उनको ये बात अच्छी लगती है, और जब वो कहता है कि फलां तो मर चुका है, वो कहते हैं उसको हमारे पास तो नहीं लाया गया, यानी जहन्नम में ले जाया गया है, तो जाहिर है फिर वो गमगीन होते हैं। रूह को आसमान से दोबारा नीचे लाया जाना। सैयदना बरा इब्न आज़िब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, जब रूह को सातवें आसमान तक ले जाया जाता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला फरमाता है, मेरे बंदे का नामा अमाल इल्लियीन में लिख दो और उसे वापस जमीन की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने इन बंदों को इसी जमीन की मट्टी से पैदा किया है, इनको इसी में लौटाऊंगा और इसी से इनको दोबारा निकालूंगा। रावी कहते हैं चनाचे उसकी रूह उसके जिस्म में वापस लौटा दी जाती है। मोमिन मैयत का जल्दी कब्र की तरफ जाने की ख्वाहिश करना। सैयदना अबू सईद खुदरी से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जब जनाजा रखा जाता है फिर लोग उसे कांधों पर उठाते हैं, फिर अगर वो नेक रूह होती है तो कहती है मुझे जल्दी ले चलो, यानी मेरे अंजाम तक जल्दी पहुंचाओ, और बुरी होती है तो इसके बरक्स कहती है। सैयदना अनस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, आदमी जब अपनी कब्र में रखा जाता है और दफन करके उसके साथ ही पीठ मोड़ कर रुखसत होते हैं तो बेशक वो उनके जूतों की आवाज सुनता है, यानी कब्र के हिसाब किताब शुरू होने से पहले। सैयदना अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, बेशक मैयत को जब उसकी कब्र में रखा जाता है तो यकीनन वो उनके पीठ फेरने के वक्त उनके जूतों की आवाज सुनता है। सो अगर वो मोमिन होता है तो नमाज उसके सराहने होती है, नमाज सराहने आ जाती है, रोजा उसकी दाईं तरफ होता है, ज़कात उसकी बाईं तरफ होती है, दीगर नेक काम सदका सिला रहमी नेकी और लोगों से एहसान उसके दोनों पांवों के पास होते हैं। सो वो उसके सरहाने की तरफ से लाया जाता है तो नमाज कहती है मेरी तरफ से आने का रास्ता नहीं, फिर उसके दाएं तरफ से आया जाता है तो रोजा कहता है मेरी तरफ से आने का रास्ता नहीं, फिर उसके बाएं तरफ से आया जाता है तो ज़कात कहती है मेरी तरफ से आने का रास्ता नहीं, फिर उसके दोनों पांवों की तरफ से आया जाता है तो नेक आमाल सदका सिला रहमी और नेकी और लोगों से अच्छा सलूक कहते हैं मेरी तरफ से आने का रास्ता नहीं। तबरानी की रिवायत में है, आदमी के पास उसकी कब्र में आ जाता है फिर जब उसके सिरहाने की जानिब आया जाता है तो उसको कुरान की तिलावत धकेल देती है। जब उसके दोनों हाथों की तरफ आया जाता है तो उसको सदका धकेल देता है। जब उसके पाँव की जानिब आया जाता है तो उसका मस्जिदों की तरफ जाना उसे धकेल देता है। यानी फिर शर उसकी तरफ नहीं आता, खैर ही खैर आती है। कुछ कहना चाहेंगे जी? लेकिन उनका कोई तो क्राइटेरिया है ना कि अच्छे और बुरे में से जो अच्छे होंगे। अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया। अच्छे बुरे दोनों हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे, आखिरी दिन कौन सा पैमाना वजनी है, क्या ज्यादा है। देखिए, गलतियां तो खुद ब खुद ही हो जाती है, नेक अमाल कोशिश करके करने पड़ते हैं। तो हमें नेकी की कोशिश करते रहना चाहिए ताकि जो गलतियां खुद ब खुद होती चली जाती हैं उन पर वो हावी हो जाए। जी, फिर भी मिलने का शौक रखना चाहिए। हम में से हर एक को अल्लाह से मुलाकात का शौक होना चाहिए, अल्लाह के दीदार की दुआ करनी चाहिए। वापस आती, यानी जब रूह निकल गई, मलकुल मौत ने निकाली, फरिश्तों ने उसको कफन पहनाया और रूह ऊपर फौरन ले जाना शुरू हो जाते हैं। तो अच्छी रूह होती है, उसका वेलकम होता है, उसको मरहबा कहा जाता है और सब खुश होते हैं। और पूछा जाता है कौन है, फिर उसका अच्छा नाम बताया जाता है, फिर उसको जहाँ और रूहें होती हैं वहां तक ले जाया जाता है। फिर उसके बाद जब इतने में मुर्दे को नहला धुला के कर करा के कब्र में ले जाते हैं। जब कब्र में ले जाते हैं तो उसका हिसाब होना होता है, तो रूह को वापस लाया जाता है। किताब क्यों दी है, किस लिए दी है? ये ज़बानी भी हदीसें सुना सकती थी मैं आपको सिर्फ अपनी किताब से, लेकिन आपको इसलिए दी है कि इसको पढ़ें और पढ़ाएं। इंशाल्लाह जब तक आप कुरान और सुन्नत से जुड़े रहेंगे तो भटकेंगे नहीं। और उसका अच्छा तरीका ये, देखिए, हर खानदान में, घर में कहीं ना कहीं फौतगी होती है ना, लोग बैठ के क्या कर रहे होते हैं, बातें। अगर आप प्रैक्टिस करें, मेहनत करें और ये किताब ले जाएं साथ, और एक दिन एक हदीसें पढ़ के सुनाएं, फिर दूसरी सुनाएं, फिर तीसरी सुनाएं, तो उस वक्त से ज्यादा इस्लाह का वक्त कोई नहीं होता, क्योंकि सबको मौत नजर आ रही होती है और अपनी भी सब याद कर रहे होते हैं। तो वहां पर लोगों को फिर बताना शुरू करें। ठीक है, जब किसी मैयत की औलाद नेक काम करती है तो मैयत का दर्जा बढ़ाया जाता है, ऊपर उसका दर्जा किया जाता है। वो पूछता है कि मेरा दर्जा क्यों बढ़ाया गया, तो उसे बताया जाता है तुम्हारी औलाद की नेकी की वजह से। इसी तरह अगर औलाद बुरे काम कर रही है तो हो सकता है कि उसको ये बताया जाता हो कि तुम्हारी औलाद बुरे काम कर रही है। पहले चली जाती रूह, मुलाकात वगैरह सब कुछ हो जाती है, फिर उतने में मैयत को गुस्ल वगैरह कफन दे के उसको दफन करते हैं, फिर रूह वापस लाई जाती है। नहीं, वो वहीं पर ही होती है, लेकिन उसका कनेक्शन जिस्म से रहता है। यानी अल्टीमेटली फिर वो उसको जब आखिर में सुला दिया जाता है कब्र में, तो फिर रूह का ठिकाना वहीं होता है ऊपर, लेकिन उसका कनेक्शन जिस्म के साथ भी रहता है, ताकि अजाब सजा जो भी है महसूस करे। गैर मोमिन की मौत का मंजर, मरते वक्त गैर मोमिन की सजाएं। क़ाल अल्लाह ताला वलौ तरा इज़िज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम अख़रिजू अनफ़ुसकुम अल-यौम तुजज़ौन अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तक़ूलून अलल्लाहि ग़ैरल हक़्क़ि व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून। अल्लाह ताला ने फरमाया, और काश तुम देखो जब जालिम लोग मौत की सख्तियों में होते हैं और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए हुए होते हैं, निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा इसके बदले जो तुम अल्लाह पर नाहक बातें कहते थे और तुम उसकी आयात से तकब्बुर करते थे। यानी तकब्बुर क्या होता है? हक को झुटला देना, बतरुल हक व गम्तुन नास, और लोगों को हकीर समझना। वक़ाल अल्लाह ताला अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफ़ुसिहिम फ़अल्क़वुस सलम मा कुन्ना नअमलु मिन सूइन बला इन्नल्लाहा अलीमुम बिमा कुंतुम तामलून फ़दख़ुलू अब्वाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फलबिस मसल मुतकब्बिरीन। और अल्लाह ताला ने फरमाया, वो लोग जो अपने आप पर जुल्म कर रहे होते हैं, जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करने आते हैं तो हथियार डाल देते हैं और कहते हैं कि हम कोई बुरे काम तो नहीं करते थे। फरिश्ते कहते हैं, क्यों नहीं, जो कुछ तुम कर रहे थे अल्लाह यकीनन उसे खूब जानता है। अब जहन्नम के दरवाजों से दाखिल हो जाओ, हमेशा इसमें रहोगे। बस तकब्बुर करने वालों का ठिकाना बहुत बुरा है। यानी इंसान को हमेशा हम्बली रहना चाहिए, तकब्बुर से बचना चाहिए। खोलते गर्म पानी से मेहमानी। क़ाल अल्लाह ताला व अम्मा इन कान मिनल मुकद्दिबीन अद्दालीन फनुज़ुलुम मिन हमीम व तस्लियतु जहीम। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर वो जुटलाने वाले गुमराहों में से होगा तो खोलता पानी उसकी मेहमानी होगी और वो दोज़ख में धकेल दिया जाएगा। चेहरे और पुश्तों यानी पीठों पर ज़रबे, मार पड़ना। क़ाल अल्लाह ताला वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु यद्रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। अल्लाह ताला ने फरमाया, और काश आप देखते जब फरिश्ते काफिरों की रूहें कब्ज़ कर रहे थे तो उनके चेहरों और उनकी पुश्तों पर ज़रबे लगाते थे और कहते थे कि अब जलाने वाले अज़ाब का मज़ा चखो। काफिर की रूह का मौत से भागने के लिए जिस्म में दौड़ना। सैयदना बरा इब्न आज़िब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, बेशक जब कोई काफिर शख्स दुनिया से रुखसती और आखिरत के सफर के जाने के करीब होता है तो उसके पास आसमान से स्याह चेहरों वाले फरिश्ते उतर कर आते हैं, मोमिन के लिए चमकते चेहरों वाले, जिनके पास टाट होते हैं। टाट होता बोरी, यानी ऐसे रफ खुरदरा सा कपड़ा, तो उसके ताहद निगाह बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत आते हैं और उसके सरहाने बैठ जाते हैं। फिर वो कहते हैं, ए नफ्स खबीसा, अल्लाह की नाराजगी और गुस्से की तरफ चल। तो ये सुनकर उसकी रूह उसके जिस्म में दौड़ने लगती है, यानी भागती है रूह। और वो मलकुल मौत उसे इस तरह खींचते हैं जैसे गीली ऊन से सीख खींची जाती है। यानी गर्म सलाख होती है ना लोहे की, अगर वो ऊन के अंदर डाली जाए तो ऊन उसके साथ चिमट जाए और खींची जाए तो फट जाए, और उसे पकड़ लेते हैं। जब वो उसे पकड़ लेते हैं तो वो फरिश्ते एक पलक झपकने की मिकदार भी उसे उनके हाथ में नहीं छोड़ते और उसको टाट में लपेट लेते हैं। अजाब देखकर भी मौत न चाहना। सईदना अबू हुरैरा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह के दुश्मन पर मौत तारी होती है तो वो देखता है जो देखता है, वो नहीं चाहता कि कभी उसकी रूह निकले, और अल्लाह उसकी मुलाकात से नफरत करता है। अल्लाह की मुलाकात को नापसंद करना। सैयदना उबादा बिन सामित नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जब काफिर की मौत का वक्त आता है तो अल्लाह के अजाब और उसकी सजा की खुशखबरी दी जाती है। उस वक्त कोई चीज उसके दिल में इससे ज्यादा नागवार नहीं होती जो उसके आगे होती है। वो अल्लाह से जा मिलने को नापसंद करता है और अल्लाह भी उससे मिलने को नापसंद करता है। दुनिया में भी आप देखें कि जब इंसान जुर्म करता है तो कभी भी अदालत में पेश नहीं होना चाहता। मुसलसल अजाब की खबर पाना। सैयदना अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, अगर वो गुनाहगार आदमी हो तो फरिश्ते कहते हैं, निकल ए खबीस रूह जो खबीस जिस्म में थी, निकल इससे काबिल मजम्मत होकर और खोलते पानी और कांटेदार खाने की खुशखबरी और दीगर इस किस्म के हम शक्ल कई तरह के अजाब की खुशखबरी भी। इसके सामने ये जुमले बार बार दोहराए जाते हैं यहाँ तक कि उसकी रूह निकल जाती, यानी डांट डपट और बुरे अजाब की खबर दी जाती है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका।